हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ एक नहीं दो नहीं टोटल 12 पेंसिल बॉक्स गाइस। और पेंसिल बॉक्स रखना सभी का एक सपना होता है। मेरा भी सपना था दोस्तों कि मेरे पास एक अच्छी सी पेंसिल बॉक्स हो और जब मैं स्कूल जाऊँ तो सारे दोस्त मेरे पेंसिल बॉक्स को देख के पागल हो जाए। और आप सब भी यही जरूर सोचते होगे, अगर सोचते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। चलो फटाफट मैं दिखाता हूँ ये 12 पेंसिल अंदर से कैसी दिखती है और कितना स्पेस है इन पेंसिल बॉक्स के अंदर। वीडियो अच्छे लगे तो कर देना वीडियो को लाइक और बिना स्किप करे पूरी वीडियो एंड तक देखना, फिर आप मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों आपको सबसे अच्छी पेंसिल बॉक्स कौन सी लगी गाइस। तो सो गाइस, पहली पेंसिल बॉक्स है हमारे पास स्पाइडरमैन की पेंसिल बॉक्स। और सबसे अच्छी बात है इस पेंसिल बॉक्स के ढक्कन के ऊपर मोल्ड्स बने हुए हैं और मोल्ड्स में हमें स्माइलीज की फोटो मिल जाती है, कुछ डायग्राम मिल जाते हैं, ABCD देखने को मिल जाती है, 1-2 भी देखने को मिल जाते हैं और कुछ हमें सिंबल्स भी देखने को मिल जाते हैं। और सबसे अच्छी बात है जब इस ढक्कन को ओपन करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाता है 20 सेंटीमीटर का स्केल। आप देख सकते हो बहुत ही अमेजिंग है ये स्केल, देख सकते हो इस तरह से फोल्ड भी कर सकते हैं इस ढक्कन को गाइस। और अंदर का इंटरफेस की बात कर लेते हैं तो अंदर से हमें मिलता है 1 2 3 4 5 हमें पेंसिल रखने के लिए लॉक मिल जाता है। इस लॉक में हम पेंसिल को लगा सकते हैं और बहुत इजीली से रख सकते हैं। और कंपार्टमेंट की बात कर लेते हैं, 1 और 2 एक्स्ट्रा कंपार्टमेंट मिलते हैं इस पेंसिल बॉक्स के अंदर दोस्तों। तो ये थी हमारी पहली पेंसिल बॉक्स गाइस। सेकंड पेंसिल बॉक्स की बात कर लेते हैं तो सेकंड पेंसिल बॉक्स है हमारे पास हेलो किटी की गेम विद पासवर्ड पेंसिल बॉक्स गाइस। इसमें गेम भी खेल सकते हैं हम, पिन बॉल की तरह गेम है ये। देखो बॉल को हम इस तरह से निकाल लेंगे फिर इस तरह से मारेंगे तो बॉल उड़ के बिल्कुल हमारे बास्केट में भी जा सकती है, फिर हमें पॉइंट मिलेंगे कितने पॉइंट हैं गाइस। तो चलो इसके ढक्कन को ओपन करते हैं। इसे ढक्कन को ओपन करने के लिए हमें पासवर्ड डालना पड़ेगा, पासवर्ड है 235। तो पासवर्ड को हमने ऑलरेडी डाल रखा है। चलो इसके ढक्कन को ओपन करते हैं तो लॉक इस तरह से करना पड़ेगा और फिर ढक्कन ओपन हो जाएगा गाइस। और कुछ ढक्कन ओपन होते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है और इसके अंदर मिलते हैं हमें कुछ मोल्ड्स गाइस, जिसके अंदर बर्ड्स की फ़ोटोज़ मिल जाती है, एनिमल की फ़ोटोज़ मिल जाती है, कुछ अलग अलग चीज़ के मोल्ड्स मिल जाते हैं और कुछ नहीं है इसके अंदर, केवल एक कंपार्टमेंट है और काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है बस, और कुछ नहीं है इस हेलो किटी पेंसिल बॉक्स के अंदर। तो ये थी हमारी सेकंड पेंसिल बॉक्स गाइस। तीसरी पेंसिल बॉक्स को ओपन करते हैं। तीसरा है हमारे पास डोरेमोन की पेंसिल बॉक्स गाइस। और इसमें सबसे अच्छी बात है नेविगेशन देखने को मिल जाता है और इस पेंसिल बॉक्स में हमें 2 शॉर्पनर देखने को मिल जाते हैं गाइस। तो ये है बटन, इसके बटन को ओपन करेंगे तो इस जगह ये ढक्कन ओपन हो जाएगा और इसके अंदर 2 शॉर्पनर है, एक छोटा शॉर्पनर है और एक बड़ा शॉर्पनर है दोस्तों। छोटे शॉर्पनर में हमें जैसे हमारे पास होती है कलर पेंसिल, तो कलर पेंसिल छोटी छोटी होती है तो इसमें हम रेज कर सकते हैं, शार्प कर सकते हैं, और ये बड़ी पेंसिल होती है हमारे पास तो बड़ा शार्पनर दिया हुआ है गाइस। और फिर इस ढक्कन में सारा कूड़ा जमा हो जाएगा, फिर इस ढक्कन को ऐसे खोल लेंगे फिर सारा कूड़ा बाहर निकाल लेंगे। तो ये था बाहर से ये पेंसिल बॉक्स, चलो मैं अंदर से दिखाता हूँ। तो इसे ओपन करते हैं डोरेमोन की पेंसिल बॉक्स, तो अंदर हमें मिलती है एक लाइट गाइस, ये देखो एक लाइट मिलती है। तो इसे लाइट को ओपन करते हैं तो लाइट तो जल रही है, ये देखो लाइट मिल जाती है हमें इसके अंदर और काफ़ी अच्छा स्पेस भी मिल जाता है दोस्तों इस पेंसिल बॉक्स के अंदर। इसके अंदर 1 2 3 4 5 पेंसिल भी लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा कंपार्टमेंट मिल जाता है, लाइट भी मिल जाती है दोस्तों। जब रात में लाइट चली जाती है तो हम इस लाइट से पढ़ सकते हैं बहुत ही ईजिली गाइस। बैक साइड की बात कर लें तो बैक साइड का ढक्कन ओपन करते हैं दोस्तों, तो बैक साइड में कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। ज़्यादा स्पेस नहीं है, नॉर्मल स्पेस है बट अच्छी ज्योमेट्री बॉक्स है कुल मिला के गाइस, ये थर्ड वाली भी। चलो चौथे पेंसिल बॉक्स को ओपन करते हैं। चौथी पेंसिल बॉक्स है गाइस हमारे पास फ्रोजन की बुक सेल्फ पेंसिल बॉक्स गाइस, और ये काफ़ी अमेजिंग पेंसिल बॉक्स है, बिल्कुल लैपटॉप की तरह पेंसिल बॉक्स है। चलो मैं ओपन करके दिखाता हूँ कि ये कैसे लैपटॉप वाली पेंसिल बॉक्स है गाइस। तो ये पुश का बटन है तो पुश दबाएंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इस पेंसिल बॉक्स में तो हमें एक वाइट बोर्ड मिल जाता है जिसके अंदर हम काफ़ी कुछ लिख सकते हैं, एक तरह से ब्लैक बोर्ड कह सकते हैं, ब्लैक बोर्ड मिल जाता है और इसके अंदर काफ़ी अच्छा स्पेस भी मिल जाता है। और इसके अंदर 1 2 3 कंपार्टमेंट मिलते हैं। और वो सेल्फ क्यों है इस पेंसिल बॉक्स का नाम, सो गाइस तो मैं आपको बता दूं, तो इस तरह से ऐसे करेंगे और फिर इसके लॉक को ओपन करेंगे हम, ये देखो लॉक को ओपन कर लेते हैं इस तरह से और फिर हम अपने बुक को बहुत इजीली से रख के स्टडी कर सकते हैं। तो इसीलिए इस पेंसिल बॉक्स का नाम है बुक सेल्फ पेंसिल बॉक्स गाइस। और इस तरह से हम ओपन भी कर लेंगे, अगर बुक बड़ी है तो हम इस तरह से इस इंटरफेस को निकाल भी लेंगे। तो काफ़ी अमेजिंग पेंसिल बॉक्स है, कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके बताना दोस्तों। चलो इस पेंसिल बॉक्स को रख देते हैं फटाफट, इन सारे चीज़ को बंद करके।
तो इस लॉक को भी इधर कर देते हैं, इसे भी इधर कर देते हैं, इसे इधर कर देते हैं और इसे बंद करके रख देते हैं दोस्तों। तो कुछ ये थी पेंसिल बॉक्स, चौथी पेंसिल बॉक्स ओपन करते हैं। तो चौथी है हमारे पास गाइस, फोर्थ है स्माइली पेंसिल बॉक्स गाइस। तो इस पेंसिल बॉक्स को ओपन करते हैं, कुछ येल्लो कलर के और स्माइली का कलर भी येल्लो होता है तो हमें येल्लो देखने को मिलता है दोस्तों। चलो इसे ओपन करते हैं और दिखाता हूँ अंदर कितना स्पेस है। तो अंदर को खोलते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है और काफ़ी अच्छा स्पेस देखने को भी मिल जाता है गाइस इस पेंसिल बॉक्स के अंदर। और इसके अंदर देखो हमें 1, 2, 3, 4 तो लॉक मिल जाते हैं जिसके अंदर हम अपना स्केल भी रख सकते हैं, पेंसिल भी रख सकते हैं, स्टडी मटेरियल को होल्ड करके रख भी सकते हैं। तो पार्टीशन मिल जाता है गाइस, काफ़ी अच्छा पेंसिल बॉक्स है गाइस। एक फोर्थ वाला भी काफ़ी लाजवाब चैन देख सकते हो, बहुत स्मूथ और बहुत ही प्यारी है दोस्तों। चलो इसे रख देते हैं अलग। अब खोलते हैं पांचवें पेंसिल बॉक्स को गाइस। फिफ्थ हमारे पास ये है फ्रोजन की पेंसिल बॉक्स, इसे मिनी जंबो ज्योमेट्री बॉक्स भी बोलते हैं दोस्तों। तो मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मिल जाते हैं हमें 4 बटन, 1, 2, 3, 4। 4 बटन का क्या यूज़ है, पहले बटन को दबाते हैं तो पहले बटन को दबाते हैं एक शॉर्पनर निकलता है दोस्तों, काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा शॉर्पनर मिल जाता है हमें। सेकंड बटन को दबाते हैं तो यहाँ एक कंपार्टमेंट नीचे से निकल के आता है। तीसरे बटन को दबाते हैं दोस्तों, तीसरे बटन को दबा के भी काफ़ी अच्छा कंपार्टमेंट देखने को मिल जाता है। चौथे बटन को भी दबाते हैं दोस्तों तो इस तरह का कंपार्टमेंट निकल जाता है। तो दोनों सेम कंपार्टमेंट है बट स्पेस काफ़ी अच्छा है। इसके ढक्कन को ओपन करते हैं, ढक्कन ओपन करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है अंदर से। और ये देखो दोस्तों, इसमें भी हमें 1, 2, 3, 4, 5 पेंसिल होल्डर मिल जाते हैं गाइस, काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है, इसके अंदर काफ़ी अच्छा स्टडी मटेरियल भी आ जाता है। चलो बैक साइड की बात कर लेते हैं, बैक साइड के ढक्कन को ओपन करते हैं तो बैक साइड हमें मिल जाता है नेम और क्लास, चिट लगी है इसमें, हम अपना नाम और क्लास भी लिख सकते हैं। बाकी पीछे वाले कंपार्टमेंट में काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है दोस्तों, बहुत ही लाजवाब स्पेस है, इसमें काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल आ सकता है गाइस हमारे इस पेंसिल बॉक्स के अंदर। चलो इसे रख लेते हैं, हम अगले पेंसिल बॉक्स को ओपन करते हैं। अगला हमारे पास मैक्वीन की जंबो ज्योमेट्री बॉक्स गाइस, और काफ़ी अमेजिंग पेंसिल बॉक्स है गाइस। और इसमें 4 ढक्कन है गाइस, 4 ढक्कन मैं खोल के दिखाऊंगा, ओपन करके दिखाऊंगा कैसे है। और सबसे अच्छी बात है हमें तो यहाँ मिल जाता है 3 होल, इस जगह हम अपने पेन पेंसिल को रख सकते हैं, यानी ज्योमेट्री बॉक्स को ऐसे रख दी और फिर पेंसिल बॉक्स को हम, पेंसिल को हम और पेन को हम इस जगह लगा के छोड़ सकते हैं, यानी पेंसिल स्टैंड भी मिल जाता है काफ़ी अच्छा। और 2 बटन मिलते हैं, दोनों बटन का यूज़ देखते हैं। एक बटन को दबाया तो यहाँ हमें मिलता है एक बहुत ही प्यारा सा शॉर्पनर का, चल मैं अगेन दिखा दूँ। तो एक बटन को दबाएंगे, देखो एक शॉर्पनर निकल जाता है बहुत ही अमेजिंग। एक और बटन दबाते हैं तो यहाँ से नीचे से निकलता है एक काफ़ी अच्छा सा कंपार्टमेंट दोस्तों। चलो चारों गेट को ओपन करके दिखाता हूँ, ये मैक्वीन के ऊपर बेस है तो मैक्वीन की फोटोज़ छपी हुई हैं गाइस चारों तरफ। और यहाँ देखो पहले ढक्कन को ओपन करते हैं, पहले ढक्कन को ओपन करते ही तो दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस, काफ़ी अच्छा स्पेस देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे भी हमें पेन होल्डर मिल जाते हैं गाइस, 1, 2, 3, 4, 5 पेन होल्डर बोल लो या पेंसिल होल्डर बोल लो दोस्तों, कोई बात नहीं, हम मानेंगे काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा स्पेस भी मिल जाता है। तो सेकंड ढक्कन को ओपन करते हैं, सेकंड ढक्कन को ओपन करते बिल्कुल सेम कंपार्टमेंट देखने को मिलता है दोस्तों। तो यहाँ 1, 2, 3, 4 यहाँ पे भी हम अपने 5 पेंसिल लगा सकते हैं इधर, और इधर हम 5 पेन लगा सकते हैं, हम या कुछ भी लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है दोस्तों हमें इस पेंसिल बॉक्स के अंदर, इसे जंबो ज्योमेट्री बॉक्स बोलते हैं। बैक साइड की बात कर लेते हैं, बैक साइड ओपन करते हैं तो बैक साइड के कुछ भी नहीं है, पेन होल्डर नहीं दिया है, पेंसिल होल्डर नहीं दिया है, केवल एक कंपार्टमेंट है, काफ़ी खाली कंपार्टमेंट और काफ़ी बड़ा कंपार्टमेंट मिल जाता है, इस जगह भी काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल हम रख सकते हैं दोस्तों। चलो फोर्थ ढक्कन को ओपन करते हैं, फोर्थ ढक्कन को ओपन कर लिया तो दोस्तों यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा स्पेस देखने को मिल जाता है हमें। तो ये थी जंबो ज्योमेट्री बॉक्स गाइस। और इसके प्राइस की बात कर लें तो इसे मैंने परचेज किया है 200 रुपीज़ का ऑफलाइन मार्केट से गाइस। चलो अगले पेंसिल बॉक्स को ओपन करते हैं, तो अगले पेंसिल बॉक्स है बहुत ही सस्ती पेंसिल बॉक्स है ये प्रिंसेस की, ये केवल मैंने 60 रुपये की परचेज करी है दोस्तों। और इसे ओपन करते हैं तो यहाँ ओपन करते कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है, और यहाँ 1, 2, 3, 4 पेंसिल या पेन तो रखने के लिए होल्डर मिल जाते हैं हमें, काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है। इस वाले ढक्कन को हटाते हैं तो नीचे काफ़ी अच्छा स्पेस देखने को मिल जाता है, इसमें काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल या हमारा कुछ भी सामान आ सकता है गाइस, काफ़ी प्यारी पेंसिल बॉक्स है गाइस। और ये केवल 60 रुपये की परचेज करी है मैंने, मैं सबको रेट बता दूँ तो ये पहली पेंसिल बॉक्स मैंने परचेज करी थी गाइस 70 रुपीज़ की, सेकेंड हेलो किटी की गेम प्ले वाली पेंसिल बॉक्स मैंने 120 रुपीज़ की परचेज करी,
करी थी, ये वाली 150 की परचेज करी थी, ये वाली भी मैंने 120 रुपए की परचेज करी है, ये वाली मैंने 100 रुपए की परचेज करी थी, ये वाली पेंसिल बॉक्स मैंने 150 रुपए की परचेज करी थी, इन सबका मैंने रेट बता दिया। चलो अगली पेंसिल बॉक्स को उठाते हैं। अगला पेंसिल बॉक्स है हमारे पास प्रिंसेस की, बिल्कुल सिंपल सी ये है पेंसिल बॉक्स गाइस, इसमें प्रिंसेस की फोटो छपी है। इसके ढक्कन को ओपन करते हैं दोस्तों, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा इंटरफेस देखने को मिलता है हमें। और यहाँ देखो दोस्तों, हमें मिलता है 1 2 3 4 5 पांच तो हमें पेंसिल होल्डर मिल जाते हैं। देखो कितना बड़ा पेंसिल होल्डर है ना गाइस इस वाले पेंसिल बॉक्स का, देखो कितना बड़ा है, बाकी काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है गाइस इस पेंसिल बॉक्स के अंदर। चलो इसे भी रख लेते हैं, अगले पेंसिल बॉक्स को ओपन करते हैं। तो ये है गाइस स्नोक 2-in-1 पेंसिल बॉक्स। गाइस 2-in-1 क्यों बोलते हैं गाइस, तो ये तो पहले ऊपर से देख लो, एक पेंसिल बॉक्स है, काफ़ी अमेजिंग की आवाज़ आ रही है ना, आवाज़ किस चीज़ की आ रही है देख सकते हो। इसके अंदर एक छोटी सी ज्योमेट्री बॉक्स और मिल जाती है गाइस, और इसके अंदर हम काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल रख सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें रख सकते हैं, जैसे अपना इसके शार्पनर रख सकते हैं, रबड़ रख सकते हैं, काफ़ी कुछ रख सकते हैं इस वाले पेंसिल बॉक्स के अंदर। बाकी नीचे काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है, यहाँ टेबल भी लिखी हुई है गाइस इस वाले ढक्कन के ऊपर। नीचे इस ढक्कन को हटाते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है इस पेंसिल बॉक्स के अंदर से गाइस, तो काफ़ी अमेजिंग है गाइस ये पेंसिल बॉक्स भी। चलो इसे रख लेते हैं, और इस वाले पेंसिल बॉक्स को मैंने 100 रुपीज़ की परचेज करी है। अब ओपन करते हैं अपने सेकंड लास्ट पेंसिल बॉक्स को गाइस, ये भी प्रिंसेस के ऊपर बेस है ये पेंसिल बॉक्स गाइस, और इस पेंसिल बॉक्स में भी हमें 2 शार्पनर देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। ये देखो 2 शार्पनर देखने को मिल जाते हैं। ये ढक्कन है, ढक्कन को दबाएंगे तो ये वाला ढक्कन, ये वाले बटन को दबाएंगे तो ये ढक्कन ओपन हो गया, 2 शार्पनर मिल जाते हैं। ये देखो 2 शार्पनर है दोस्तों, और इसे बंद कर देते हैं। अब ओपन करते हैं इसके ढक्कन को, तो ढक्कन को ओपन करते कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। इसके अंदर भी दोस्तों हमें लाइट देखने को मिलती है, ये देखो लाइट मिल जाती है। लाइट को जलाते हैं तो लाइट तो जल नहीं रही, तो बैटरी डालनी पड़ेगी, और काफ़ी अच्छा स्पेस भी मिल जाता है दोस्तों। बैक साइड की बात कर लें, बैक साइड में काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है दोस्तों हमें, काफ़ी लाजवाब स्पेस है। देखो दोस्तों काफ़ी अमेजिंग स्पेस मिल जाता है गाइस। तो चलो अब लास्ट पेंसिल बॉक्स को ओपन करते हैं। लास्ट हमारे पास ये है हेलो किटी की पेंसिल बॉक्स गाइस, काफ़ी अमेजिंग है, काफ़ी लाजवाब है हेलो किटी की। और इसके इसे फ्रंट में तो हमें 2 शार्पनर मिल जाता है देख सकते हो। चलो इसके इसमें भी हमें एक छोटा शार्पनर एक बड़ा शार्पनर देखने को मिल जाता है गाइस फ्रंट में। और चलो इसके ढक्कन को ओपन करते हैं, तो ढक्कन ओपन करते हैं कुछ काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्पेस देखने को मिल जाता है दोस्तों। देखो और यहाँ पे 1 2 3 4 5 पेंसिल रख सकते हैं, बट इनके अलावा काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है। इसे बोलते हैं मिनी जंबो ज्योमेट्री बॉक्स गाइस, इसे भी मिनी जंबो ज्योमेट्री बॉक्स बोलते हैं क्योंकि ये काफ़ी बड़ी भी है, और ना बड़ी है ना छोटी, इसलिए मिनी बोलते हैं। और काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है इसे फ्रंट में। बैक साइड की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो बैक साइड में भी काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है, यहाँ देख सकते हो काफ़ी लाजवाब बहुत ही सुंदर सा स्पेस मिल जाता है यहाँ देखो बैक साइड में भी। तो ये थी हमारी टोटल 12 पेंसिल बॉक्स। सबसे अच्छी पेंसिल बॉक्स कौन सी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कर देना वीडियो को लाइक। नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी देखना चाहते हो प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताना। आप स्नैक्स की वीडियो देखना चाहते हो या फिर आप ज्योमेट्री बॉक्स की कलेक्शन की वीडियो देखना चाहते हो। बट मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ गाइस पेंसिल पाउच कलेक्शन बॉक्स गाइस। पेंसिल पाउच होंगी ये, तो पेंसिल बॉक्स से वो सारे पेंसिल पाउचेज होंगे गाइस, उनकी वीडियो आने वाली है। अगर देखना चाहते हो तो कमेंट में यस लिखना बस, तो मैं समझ जाऊंगा आप लोग देखना चाहते हो पेंसिल पाउच की वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से वीडियो के साथ, अच्छे से पेंसिल बॉक्स या स्नैक्स के कलेक्शन के साथ। जब तक बाय बाय दोस्तों।